नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ विप्रो के स्टॉक पे। काफी सारे कहीं ना कहीं दो चार कमेंट्स थे बस विप्रो के ऊपर, जो कि डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं। और कुछ कमेंट्स तो ऐसे हैं कि बेकारों में भी बेकार शेयर है विप्रो का शेयर, इसे खरीदना ही नहीं चाहिए। तो क्या हकीकत यही है या नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड अगर आप भी किसी स्टॉक की डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। सबसे पहले मैं आता हूं खबरों पे विप्रो की। अगर विप्रो की न्यूज के बारे में बात करें तो देखिए कुछ ज्यादा खास और ज्यादा खराब नहीं है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया था कि एम्प्लॉयज का सैलरी पैकेज 50% से घटा दिया है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। अगर इसके फायरिंग की बात करें कि एम्प्लॉयज का जो इन्होंने कहीं ना कहीं जॉब कट करी हो, तो ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा नंबर सामने नहीं आया। यूएस में अराउंड 100 और 120 जॉब्स समथिंग कट करी है। अगर रिसेंटली आईटी सेक्टर के लिए देखें पूरे, तो एसेंचर के नंबर्स आए जिन्होंने आगे का आउटलुक थोड़ा सा घटा दिया है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल चीजें जो अभी करंटली दिख रही है खबरों में। अब स्टॉक के फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं, स्टॉक के वैल्यूएशंस पे आ जाते हैं और कैसा दिख रहा है विप्रो, इसके बारे में बात करते हैं। विप्रो की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि जब से करेक्शन स्टार्ट हुई आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ और सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है इस स्टॉक ने। ठीक है, अब आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे कि कैसे दिख रहे हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो मैं आपको एक का चीज और बताना चाहूंगा जो ब्रॉडर व्यू के बारे में, पहले मैं आपके साथ फाइनेंशियल शेयर करता हूं। तो 362 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाई, लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है। आपको कि बेकार में भी बेकार है तो ये तो गलत वर्ड होगा, क्योंकि कंपनी छोटे से इतनी बड़ी बनी है तो कुछ तो होगा कंपनी में। हाँ, अब आगे आपको लग रहा है कि ये खराब हो चुका है, उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के रिजल्ट्स, यानी कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी देखें कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो कितना कर रही है प्रीवियस के मुकाबले। क्या ज्यादा तेजी से ड्रॉप आ रहा है तो डेफिनेटली कंपनी खराब हो रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है। पहले मैं आपको बता दूं रिटर्न ऑन इक्विटी 20.3% का है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.1% का है, जो कि और अच्छा माना जाएगा। बुक वैल्यू पर शेयर 130 की है, जिसके सामने स्टॉक 362 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 3 times की बुक वैल्यू से भी सस्ता ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली आईटी स्टॉक्स 4 times, 5 times और 6 times पे ट्रेड करते हैं, ये स्टॉक 3 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज एक पैरामीटर पे तो हमें अंडर वैल्यू दिख रहा है ये स्टॉक। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 17.5 का है, इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं, 5 साल का प्राइस टू अर्निंग देखते हैं। मैं अगर कोविड की बात करूं तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 11 तक गया था, अभी कितने पे, अभी 17-18 पे चल रहा है। तो अभी और नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कोविड से पहले कितना था, 15-16 का, कोविड से पहले 15 का था, 19 का था, मतलब नॉर्मली 15 से लेकर 19 की रेंज में था। तो जहां इसका प्राइस टू अर्निंग है ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स पे इसका प्राइस टू अर्निंग कोविड से पहले ट्रेड करता था। तो ये बीच में जो आपने उछाल देखा ये थोड़े ओवर वैल्यूएशन थे, जो कि कंफर्ट में आए हैं। अभी इसके हाई की बात करें तो लगभग 32 का प्राइस टू अर्निंग पे चला गया था ये स्टॉक, जब स्टॉक अराउंड 24 सितंबर को, तो 2021 में 32-33 के पीई पे चला गया था, जो कि ओवर वैल्यू हो गया था, बहुत महंगा हो गया था। एक्चुअल वैल्यूएशन इसके 19-20 के पीई पे ही होते हैं, जो कि करंटली ट्रेड कर रहा है। ठीक है, चलो एक चीज और समझ में आई, वैल्यूएशन वाइज ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि बहुत गिर गया तो कंफर्ट दे रहा, नहीं, ये लेवल्स ही एक्चुअली में है। अब इसके अगर प्रॉफिट को देखूं तो लास्ट क्वार्टर 2600 करोड़ का प्रॉफिट था, इसके सामने दिसंबर में लगभग 3000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। तो प्रॉफिट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ के आया प्रॉफिट। चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोड़ते हैं, सीधे टीटीएम बेसिस और अर्निंग पर शेयर पूरे ईयरली प्रॉफिट पे आता हूं। अगर मैं पूरा ईयरली प्रॉफिट देखूं तो हल्की सी डिप देखने को मिली है मुझे। 2022 मार्च में लगभग 12200 करोड़ का प्रॉफिट था और टीटीएम बेसिस यानी ट्रेलिंग 12 मंथ लास्ट 12 महीने का प्रॉफिट 11366 करोड़ है। तो लास्ट ईयर के मुकाबले हल्का सा कम हुआ है प्रॉफिट। वहीं अगर मार्च 2021 की बात करूं तो 10800 करोड़ था, उससे पहले 9700 करोड़ था, उससे पहले 9000 था। तो ऑलमोस्ट 10% की जंप आती है कंपनी के प्रॉफिट में। इसका अर्निंग पर शेयर भी देखें तो टीटीएम बेसिस पे 20 पे आ गया है, लास्ट ईयर 22 था, तो 10% के समथिंग घटा है और ऑलमोस्ट 10% का इसमें जंप देखने को मिलता है, जो कि इस बार उल्टा हो गया है। तो नॉर्मल वैल्यूएशन इसके 19 के पीई के थे और जिस हिसाब से इसका 10% अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट घटा है, तो मे बी स्टॉक आपको 16-17 के पीई पे भी आता हुआ दिख सकता है।
अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो 20 का अर्निंग पर शेयर जो करंटली ट्रेड कर रहा है, इसके हिसाब से वॉस्ट के सिनेरियो में 15 के पी पे भी चला जाएगा तो ये स्टॉक आपका 300 रुपए का हो गया। यानी वॉस्ट के सिनेरियो जो दिख पा रहा है वो 300 रुपए दिख रहा है। देखिए आप ये मत कहना अभी 300 तक और गिर जाएगा, मैं हर एक सिचुएशन आपके साथ शेयर करूंगा। वहीं अगर मैं एक साल बाद 10% से इसको ग्रो करूं, जो कि नॉर्मली ग्रो करता है, किसी किसी साल डिप आ जाती है, तो अगर मैं नॉर्मली ग्रो करूं तो 20 से 22 का अर्निंग पर शेयर दोबारा होगा और इसके जो मल्टीपल्स हैं वो अराउंड एवरेज 20 के हैं और जब मार्केट में अच्छी वैल्यू बनती है तो 25 तक भी जा सकता है। तो 25 को अगर मैं इसके 22 के अर्निंग पर शेयर से इंटू करूं तो 550 रुपए का भाव निकल के आता है। अगर मैं इसको नॉर्मली केवल और केवल 20 के पी जो कि अभी ट्रेड कर रहा है उस हिसाब से देखूं तो 440 का भाव निकल के आता है। यानी कि करंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहां से आपको एक साल में 440 से 500 रुपए के लक्ष्य तो नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। स्टॉक का प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ देखेंगे तो वो उतनी नहीं है, लेकिन स्टॉक का प्राइस ज्यादा रिटर्न दे चुका है। तो ये एक और विषय है जिसकी वजह से स्टॉक आपको अप साइडवेज टू नेगेटिव जा रहा है। कंपनी के पास रिजर्व्स अराउंड 90,000 करोड़ के हैं और बोरिंग्स अराउंड 19,000 करोड़ की है। कंपनी के पास रिजर्व्स अराउंड 70,000 करोड़ है, मैंने 19 बोला, 70,000 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, जिसमें से 19,000 करोड़ बोरिंग है, तो बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं, डेट को लेकर तो ज्यादा कंसर्न नहीं है। अगर कंपनी के नेट कैश फ्लो की बात करें तो लगभग 6,500 करोड़ का माइनस दिख रहा है इस समय, क्योंकि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस हो गया है और ऑपरेटिंग कैश एक्टिविटीज अच्छा है और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी अच्छा है, बट इन्वेस्टिंग जो मार्च 2021 में 685 करोड़ का पॉजिटिव था वो अभी 22,322 करोड़ का नेगेटिव दिख रहा है। कैश कन्वर्सन साइकिल 53 का है जो कि बहुत अच्छा है, यानी कंपनी 53 दिन में अपना पैसा निकाल लेती है जो भी माल बेचती है। प्रमोटर्स की बात करें तो 73% स्टेक है, FII 6.58% है, DIs ने बढ़िया स्टेक बढ़ाया है 7.96% पे आ गया और पब्लिक के पास 12.29% का स्टेक रह गया है केवल, यानी कि यहां से बड़े लोगों को ज्यादा भरोसा हो रहा है। वहीं बात करें जेपी मॉर्गन ने लगभग इस क्वार्टर में 0.07% का स्टेक इंक्रीज कराया और टोटल अभी उनकी होल्डिंग 2.37% की है। तो मुझे लगता है इन लेवल से डाउनसाइड कम है, अपसाइड ज्यादा है, तो जिसके पास है वो बने रहे और आप डिप्स में फ्रेश एंट्री या एवरेजिंग भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ में पसंद दोनों आई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।